बड़ी मन्नतें मांगने के बाद मिला है संत को एक मौका चेन्नई की टीम में आने का, और कोनी ने बोला है कि बॉल अगर स्टेडियम के बाहर गई तो ही वो उठा पाएंगे टीम का भार। ओह नो! संत की धड़कनें बढ़ती हुई, टेंशन का माहौल बना हुआ, और बॉलर भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने, और ये डाली 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल, और ये क्या, ये तो इन्होंने स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आज की नीलामी में। आज यहाँ सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, 2-2 रुपए के भाव में मिलेगा, पक्का भी मिलेगा और कच्चा भी मिलेगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सारी टीमों के कप्तानों का स्वागत है आज की नीलामी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है। नहीं जी, हम नहीं जानते, बताओ क्या होने वाला है। ओह नो! पिछले साल भी बताया था, तब क्या भांग खाकर बैठे थे। क्या गोली भाई, समझे नहीं आप, समझे नहीं, भांग खाकर मैं बैठा था, मैं ही तो हूँ भंगेरी, आप तो BBL के किंग हो, तो गोली भाई क्या करना है मैं बताता हूँ, मेरा यही तो काम है, मैं तो नौकर हूँ आपका। अरे नहीं सर, नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसी बातें करके टाइम बर्बाद ना करें और जल्दी शुरू करें। तो जी क्या होगा, मैं आपके आगे मस्त फ्रेश फ्रेश माल लाऊंगा और उससे पूछूंगा कि उसको किसकी टीम की चाटनी है। मेरा मतलब है कि जाना है, जिसको भी चाहिए वो हाथ उठाना और अपना रेट लगाना, रेट, बस जी सिंपल है। तो गोली सर, अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें। सर एक बात बताओ, इससे पहले दलाली कहाँ करते थे आप? Oh, no. हाँ सर, आपको कैसे पता? वो क्या है ना, खुजली वाले कुत्तों को और दलालों को मैं बहुत जल्दी पहचान लेता हूँ, वरना अब आपकी भी नीलामी कर दी जाएगी। जी जी, अभी करवाता हूँ। लाओ भाई लाओ, पहला स्लॉट लाओ। तो छोटी मोटी बहस होने के बाद अब लाया जा रहा है पहले प्लेयर को IBL की नीलामी के लिए। अरे गुप्ता जी, आपका वो गेम्स ही कैसा चल रहा है? अरे शर्मा जी, मार्केट में इतने सारे ऐप हैं, मैं गेम्स ही कोई चूज क्यों करूं? क्योंकि गेम्स ही है नए जमाने का फैंटेसी ऐप। देखिए यहाँ फुल मैच के साथ साथ खेल सकते हो सेकंड इनिंग और लाइव फैंटेसी। पहला इनिंग देखने के बाद आप सेकंड इनिंग में टीम बना सकते हो, या अगर आप फुल मैच के लिए टीम बनाना भूल गए हैं तो भी आप सेकंड इनिंग को आराम से ज्वाइन कर सकते हो। और यही नहीं, हर 5-5 ओवर के प्लेयर्स की टीम भी बना सकते हो, वो भी मैच देखते देखते। तो मैच देखते देखते खेलना इतना आराम बस गेम्स ही पर ही मिलेगा। मेरे रेफरल कोड से ऐप ज्वाइन करने पर आपको मिलेगा टाइम टू टाइम ऑफर, और साथ ही साथ साइन अप करते ही 50 रूपए और 500 रूपए के डिपॉजिट पे 1,000 रूपए मिलेंगे। कोड है YT1000। ऐप का डाउनलोड लिंक और मेरा रेफरल कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। शर्मा जी बात तो सही है, अलग है ये, चलो फिर डाउनलोड करता हूँ। तो भाई और बहनों, आपकी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आ रहे हैं हमारे बीच में सीधे केदारनाथ से चलते हुए जाधव, जिनके पिछवाड़े में मारी है कोनी ने लात। अब देखते हैं कि कौन पकड़ेगा इनका हाथ। मेरी एक टांग नकली है, मैं IBL का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन कोनी भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया, मेरे ही बैट से मेरी टांग तोड़ दी, पर दिल के बहुत अच्छे हैं, तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, नई टांग लगवाई, और अब मुझे टीम से भी बाहर निकाल दिया, और अब खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। रोहित भाई मुझे अपनी टीम में ले लो, मेरे को मुंबई जाना है। आप मुंबई नहीं आ सकते। भाई मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे तो मुंबई की टीम में ही खेलना है। भाई आपको मम्मी की कसम, बस अब तो कसम दे दी मैंने, अब तो आपको लेना ही पड़ेगा मुझे टीम में। जहाँ अमीर आदमी देखा वही हाथ फैलाना शुरू कर दिया। देखो मेरी टीम में आना है तो गुमराह को छक्का मार के दिखा, फिर सोचूंगा। भाई गुमराह हो या तुमरा, आपकी टीम में आने के लिए मैं किसी का भी बूत उतार सकता हूँ, बस अब आप देखो कैसे मैं आपकी गुमराह का शक्तिमान बनाता हूँ,
बड़ी बड़ी बातें करके आ रहे हैं बैटिंग पर लंगड़ा जाधव, और इस बॉल पर अगर छक्का नहीं मार पाए तो कौन देगा फिर इनको रोटी। अब देखना होगा कि क्या जाधव तोड़ पाएंगे गुमराह की गोटी। और गुमराह जल्लाए हुए बैल की तरह भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने। ये डाली गुमराह ने बॉल और यहाँ लंगड़ा जाधव होते हुए बोल्ड। बालक की लॉलीपॉप छिन जाने के बाद जैसे बच्चा रोता है वैसे ही रोते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ बीच पिच में जाधव, और इनका रोना देखा नहीं जा रहा फॉरनर से। मानो ये खिलाड़ी है आधा और पोना, पर देखा नहीं जाता मुझे इसका गंदा सा रोना। आ जा मेरी टीम में और पकड़ ले कोई भी कोना। मालिक आप मालिक है, आप मालिक है, आपके चरण का है मालिक। मैं तो धन्य हो गया आपकी टीम में आकर। जाधव का ठंडी रोना देखकर फॉरनर ने खरीद लिया है जाधव लंगड़े को 2 रुपए देकर। नहाने के लिए फेवरेट साबुन है डव, और अब आ गए हैं टीम में अपने आने की भीख मांगने स्टव। मेरा कप्तान जो बोलेगा मैं वो करूंगा। एक बार ले लो टीम में, फिर देखो मैं कैसे चीटिंग करके भी अपने पाप का घड़ा भरूंगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बस एक बार दे दो मौका, फिर देखो कैसे लगेगा छक्का और चौका। अयो हम तुमको देगा एक मौका, और अब तुम्हें लगाना होगा इस बॉल पर एक चौका। नहीं नहीं नहीं, छक्का। स्टोव को जैसे तैसे करके मिला है ये चांस। अब देखना होगा कौन सा करेंगे स्टोव यहाँ पे डांस। अगर इस बॉल पर नहीं लगा छक्का तो इनका इस बार घर पे खाली बैठना है पक्का। बॉलर भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने, स्टोव की फटकर हो गई है 4, और ये डाली बॉल, स्टोव ने घुमा दिया है बल्ला और ये लगा छक्का। जली को राख कहते हैं और बुजी को आग कहते हैं, और मेरे जैसे को चार मुंह वाला नाक कहते हैं। ये स्टोव को मुझे दो 1.5 रुपए में। अयो रामा ये तो चीटिंग है रोहित भाई, इसको तो मैंने चुना है। तो क्या हुआ, मेरे पास पैसा है और यहाँ जिसके पास पैसा है उसी से पूछा जाता है कि भाई तू कैसा है, समझा मेरे बेटे? ऐसा है तो मेरी तरफ से 1.70 रुपया स्टोव पर। मेरे 2 रुपए लगाओ। मेरा 2.20 रुपया लगाओ। जो भी जीते मुझे तो उसकी टीम में जाके उसकी कप्तानी चुन लेनी है। सुन बे वड़ा पाव की दुकान, इसको मत ले, ये आ गया ना टीम में तो समझ ले तेरी कप्तानी गई। भाई ऐसा है क्या, नहीं चाहिए ये पनौती। रखो जी रखो इस बहन के टके को, अपनी पास ही रखो। और इसी के साथ 2.20 रुपए में स्टव हुआ अय्यर का। अट्टी कट्टी पट्टी निकाल दी मैंने इसकी टट्टी, अनरस कला माइंडेड। तो भाइयों और उन भाइयों की बहनों, अपने दिल की दुकान को थाम लीजिए, क्योंकि अब आ रहे हैं आज के सबसे घातक खिलाड़ी जो कर दे अच्छे अच्छे बॉलरों के करियर का अंत। नाम है इसका बाजीराव संत। कोनी भाई बस आपकी टीम में आना है मुझे, एक बार ले लो माँ कसम मैं सबका बैंड बाजा बारात निकाल दूंगा, घुसेड़ घुसेड़ के मारूंगा, सुजा सुजा के मारूंगा। ओह नो छोटे, तुझे टीम में लेकर फुड़वाने नहीं है मुझे अपने गोटे, तुझे कीपर लूंगा तो मैं क्या धनिया काटूंगा। कोनी भाई आप जो बोलोगे वो करूंगा, आपके पीछे बेबी कीपर बनकर खड़ा हो जाऊंगा। आप बोलोगे तो जीवा को स्कूल छोड़ना और लाना भी कर दूंगा, आप बोलोगे तो साक्षी भाभी के हाथों में नेल पॉलिश भी लगा दूंगा, आप बस टीम में ले लो। ठीक है छोटे, मैंने देखे है तेरे जैसे बहुत सिक्के खोटे, एक बॉल मिलेगी, करना है उस बॉल को ग्राउंड से बाहर। बस भाई बस अब मुझ पे छोड़ दो। बड़ी मिन्नतें मांगने के बाद मिला है संत को एक मौका चेन्नई की टीम में आने का, और कोनी ने बोला है कि बॉल अगर स्टेडियम के बाहर हुई तो वो उठा पाएंगे टीम का भार। संत की धड़कनें बढ़ती हुई, टेंशन का माहौल बना हुआ, और बॉलर भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने। ये डाली 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल, और ये इन्होंने बॉल सीधा मार दिया अंपायर के थोबड़े पे, अंपायर हो गए हैं ढेर। ओह नो भैया 5वीं क्लास के मॉनिटर, तेरा चेन्नई में सिलेक्शन अब तो होगा नहीं। बाकी अब पूरे आईबल में तुझे मैं रन बनाने दूंगा नहीं, तू बस अब देख कि कैसे मैं तेरा एलगार्ड तोड़ता हूँ।
मुझे कोनी बाई के टीम में खेलना है। और इसी के साथ शुरू हो गया है संत का ठंडी रोना। और बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि संत को अब जाना पड़ेगा वापस दिल्ली की टीम में। और आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस देखने के लिए।